हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को क्रैक हील्स के बारे में बताऊंगी। एड़ियों का फट जाना ज़्यादातर सर्दियों में होता है या ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को गर्मियों में भी पेश आती है। इसकी वजह ये है कि गर्मियों में अक्सर लोग स्लीपर्स और सैंडल पहनते हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव को धूप लगती रहती है या धूल मिट्टी की वजह से भी आपके पाँव फट जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपको इस रेमेडी में बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने एक एम्प्टी टब लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है। अब इस पानी में आपने एप्पल साइडर विनेगर डालना है 1/4 कप। इसके बाद कोई भी शावर जल ऐड करें और इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर आपने अपने पाँव को डिप कर लेना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। इन्हीं 10 to 15 मिनट्स के दौरान आपने अपनी एड़ियों को साफ कर लेना है और अब आप टॉवल से अपने पाँव को साफ कर लेंगे। देन आपने एप्पल साइडर विनेगर को नेल्स के साइड्स पे अप्लाई करना है किसी भी ब्रश की मदद से। अगर आपको नेल्स की फंगस का इशू है तो देन आप ये स्टेप करें। अगर आपको नेल्स की फंगस का इशू नहीं है तो फिर आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है और इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लेना है 1/2 चम्मच अच्छी तरह। अब आपने इस मिक्सचर को पूरे पाँव पे अप्लाई करना है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, अब आप लास्ट में 1/2 चम्मच वेजलिन का लेंगे और उसमें 1 चम्मच ग्रेसलिन को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस सॉल्यूशन को आपने किसी डिब्बी में स्टोर भी कर लेना है। अब आपने इस सॉल्यूशन को अपनी फटी हुई एड़ियों पे लगाना है। आपको कुछ ही डेज में रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। फर्स्ट 2 स्टेप को आप वीक में 2 टाइम्स भी कर सकते हैं और लास्ट स्टेप को आप तब करेंगे जब आपको ये फील होगा कि आपकी एड़ियां अब फट रही हैं। मज़ीद ब्यूटी टिप्स और होम रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।